क्वेश्चन इज हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो एक बात तो मैं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो कोरोना टाइम्स की सबसे बड़ी सच्चाई है कि एवरीथिंग हैज सडनली बिकम ऑनलाइन, सारा एजुकेशन ऑनलाइन हो गया। अब तो क्वेश्चन अराइजेस कि IIT JEE नीट के लिए अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो इस ऑनलाइन क्लासेस का मैं कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे क्या करना चाहिए। तो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए दैट इज़ सेल्फ पिटी। मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे पहले भी तो बहुत सारे बैचेस थे उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इस सेल्फ पिटी साइकिल से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, सेल्फ विक्टिमाइजेशन से बचना पड़ेगा। जब तुम इससे बाहर निकल के बच गए तो अब तुम टैंजिबल सॉल्यूशन की तरफ सोच सकते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो सबसे पहले तुम्हें जो करना चाहिए, ट्राई टू गेट अ रियली गुड मेंटर, बिकॉज इस पूरे टाइम्स के अंदर कहीं ना कहीं मेंटरशिप जो हम एक टीचर से सीख करते थे वो हम उससे मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इतना टाइम भी नहीं होता उनके पास, क्योंकि इवन दे आर लर्निंग टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, दे आर ट्राइंग टू अडेप्ट टू दिस न्यू वे ऑफ लर्निंग, सो इवन उनके पास भी उतना टाइम नहीं है। तो ज्वाइन सम मेंटरशिप प्लेटफॉर्म लाइक प्रैगबी इज अ वेरी गुड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, वहाँ जाके तुम एक मेंटर ले सकते हो। वंस यू हैव मेंटर देन दोज मेंटर्स विल हेल्प यू सेट गोल्स। क्या गोल है हमारा, क्या अल्टीमेट गोल होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली देर इज नो गोल, वॉट एवर प्रोसेस वी चूज ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट तो मिलने वाला है नहीं, बिकॉज आप अपनी एनर्जी ही चैनलाइज नहीं कर पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे क्या प्रोसेस बनाओ, क्योंकि प्रोसेस बनाने के लिए सेंटर के अंदर गोल ही नहीं। सेकेंडली सेट टेंजिबल टारगेट्स, हर मंथ का, हर वीक का, हर डे का कुछ टारगेट होना चाहिए, हर घंटे का कुछ टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट्स मॉनिटर होने चाहिए। मतलब मैं क्या अचीव कर पा रहा हूँ, क्या मैं नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इन्वॉल्व समवन, फाइंड अ मेंटर और डेवलप अ मेंटर अपने पेरेंट्स के अंदर, कि आप उनको बताओ कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, आप क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे, एंड मे बी प्रॉब्ली दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, एंड इफ यू नीड प्रोफेशनल हेल्प प्राइक बी इज ऑलवेज देयर। सेकेंडली फॉलो एंड ट्रैक द टारगेट्स, मतलब मैंने क्या किया आज और मैं क्या नहीं कर पाया, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, जो मेरी अगली प्लानिंग होगी, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग होगी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। थर्ड, कितना सिलेबस मैंने फिनिश कर दिया, मुझे इस बात पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस आर ए ब्यूटीफुल मीडियम फॉर डूइंग दिस, वाई, बिकॉज अब बहुत क्लियर कट हो गया, तुम्हारे दिन के 5 घंटे चले गए क्लासेस के अंदर और बाकी सारा टाइम तुम्हारे पास है जिसमें तुम बैठ के सोच सकते हो टारगेट्स के बारे में, गोल्स के बारे में, जो तुम पहले नहीं कर पा रहे थे। सो दिस हैज़ बिकम अ ट्रेमेंडियस एम्पावरमेंट टू अ स्टूडेंट ओवर हिज टाइम, कि अपने टाइम से इन चीज़ों को कैसे टेंजिबली टारगेट ट्रैक कर पा रहा हूँ, अपने गोल की तरफ कितना मूव कर पा रहा हूँ। सेकेंडली, इन दिस टाइम्स ऑफ स्ट्रेस फाइंड सम सेंस ऑफ इमोशनल सोलास, मतलब कि अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंड से भी ज़्यादा लाइफ के अंदर फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। अल्टीमेटली तुम्हारे कोई अप्स एंड डाउन्स होंगे, शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ दें, लेकिन फैमिली तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तो जो तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हें लगता है अंदर से अकेला फील हो रहा है, गो एंड टॉक टू योर फैमिली, गो एंड टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, उनसे डिस्कशन करो, उनसे बातें करो, उनके साथ बेटर बॉन्डिंग बिल्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इसके बाद शायद तुम कॉलेज चले जाओगे, उसके बाद तुम जॉब करने चले जाओगे, इतना टाइम उनके साथ स्पेंड करने का शायद फिर कभी मौका ही ना मिले, सो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सेकेंडली, लिमिट यूर स्क्रीन टाइम, ऑलरेडी तुम दिन भर क्लासेस देख रहे हो तो अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करो, उस टाइम को अगेन तुम रिलेशंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, हॉबीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, मुझे लगता है हॉबीज़ पे भी काफ़ी फोकस करना चाहिए, दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ जॉय इनसाइड यू। तो अल्टीमेटली दैट जॉय इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना खुश तुम्हारा मन रहेगा उतना अच्छा तुम्हारा काम भी होगा, उतना अच्छा तुम्हारा आउटपुट भी आएगा, तो वो खुशी तुमको अपने हॉबीज के अंदर टाइम देने से मिलेगी, तो दैट टाइम कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यू शुड नॉट गो इन टू द साइकिल ऑफ सेल्फ पिटी। ये बिल्कुल निगेटिव फीलिंग तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो। तो जो पहली बात थी वो आपसे रिपीट करो, आखिरी के अंदर सेल्फ पिटी नहीं करो। अल्टीमेटली द थिंग दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इज द सेंस ऑफ अडाप्टेशन। जो इस मेथड को जितने अच्छे से हो, जितने फास्ट, जितनी जल्दी अडाप्ट कर पाएगा और जितने अपने अंदर से इमोशनल बैरियर्स जल्दी खत्म करके अडाप्ट कर पाएगा, उसको उतनी लीड मिल जाएगी, एंड अल्टीमेटली ही इज गोइंग और शी इज गोइंग टू डू वंडर्स। आई होप आई वॉज एबल टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। गिव मी अ फीडबैक डाउन इन द कमेंट्स। थैंक यू।